हाय फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? देखते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम रांची आ गए हैं और आने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था फ्रेंड्स। पूरा भेलोर घूम के आए हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर मेरे दांत में दर्द नहीं हुआ। जो प्रॉब्लम के लिए गए थे सब सॉल्ट हो गया। और जो दांत यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा मेरे दांत में दर्द, बहुत ज़्यादा 3 दिन तक दर्द था। फिर हमको लास्ट में दांत का बढ़ाना पड़ा, डॉक्टर के पास गया, फिर निकाल लिए दांत। तब आज आराम है मेरा दांत में। इधर भी बहुत ज़्यादा सूजन, एकदम बहुत ज़्यादा सूजन हो गया था, तो आज आराम है मेरा दांत। दवाई चल रहा है, दवाई खा रहे, गैस बना दे रहा है, गैस का दवाई दिया लेकिन सूट नहीं कर रहा, दवाई नहीं खा रहे हैं। तो मतलब क्या कहें, कल इतना ज़्यादा सुन हो गया था कि आवाज़ नहीं निकल पा रहा था, बातें कर नहीं सक रहे थे, झिन झिन टाइप का एकदम पूरा सुन हो गया था। तो फ्रेंड्स, रांची में बहुत ज़्यादा, वहाँ पर गर्मी बहुत कम था फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी, मतलब ठंडा है, इतना ज़्यादा ठंडा है। शाम को देखिए मौसम है, पूरा दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का धान पूरा सारा कटा गया है। मतलब हम 27 दिन पे घर आए, और 27 दिन पे घर आया, यहाँ आने के बाद देखिए पूरा धान कट गया है। और नदी देखिए, नदी में पानी भी है। और इतना मतलब मौसम, पानी वाला मौसम नहीं था फ्रेंड, लेकिन ठंडा इतना। वहाँ से तो स्वेटर मोजा टोपी कुछ नहीं, पर यहाँ जैसे ही रांची मतलब आए हम लोग, स्टेशन पे आए, स्टेशन से ही जो स्टार्ट हुआ ठंडा, बाप रे, इतना तकलीफ कि मेरा ठंडा की वजह से मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द। और हमको ठंडा चीज़ खाना है इसलिए। तो फ्रेंड्स, हम जो भेलोर जाने से पहले 2 दिन पहले जो हम यहाँ पर खेती करके रखे थे, वो चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं कैसा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे टमाटर का पेड़ 27 दिन में बस इतने ही से बड़ा हुआ है, 2 बित्ता का उतना बड़ा हुआ है। और लाल लाल साग देखिए खूब बढ़िया से अंदर हो चुका है। और इधर मर्चा, एक एक जो मर्चा है उसको क्या बोला जाता है, वैसा हो गया है, पर एक मर्चा ठीक है। और ये फ्रेशबिन का लतर है देखिए, और इसमें भी फ्रेशबिन का लतर और मिर्चा ठीक है इसमें। और आलू का पेड़, आलू जो लगाए थे, वो आलू का पौधा देखिए इतना बड़ा हो गया है देखिए। इसमें साग एकदम छोटा बड़ा ही नहीं है, बौना ही है, पर आलू मेरा बहुत सुंदर साग कलकला रहा है देखिए। मर्चा भी बौना बौना है। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही स्पेशल हम बनाने वाले हैं। और हम आ गए हैं किचन में, तो मेरा हाथ में है ये गोभी। और आज बहुत अच्छा दिन है, जो आज से पूरे एक महीना खिचड़ी रहता है, जो 15 जनवरी 14 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, वो वाला पूरे एक महीना मतलब है। तो आज हम लोग अगन संक्रांति बोला जाता है, अगन संक्रांति है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। बिहारी में तो अगन संक्रांति मनाते नहीं हैं, पर मेरे मायके में बनाते हैं। तो वहाँ पर आज बहुत स्पेशल चीज़ बनता है, पीठा वगैरह बनता है। तो हमको बस तीखा मसाला नहीं खाना है, पर सिंपल साधारण बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम गोभी का चड़पा बनाएंगे, गोभी आलू मटर छमी का चड़पा बनाएंगे। मटर छमी भी आया हुआ है बाज़ार से नया नया, तो थोड़े से डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और गोभी आलू का मटर छमी का मतलब चड़पा पीठा बनाएंगे, ठीक है? तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं गोभी काटने का और आलू काटने का, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, इतना सारा अरवा चावल है जो धो लेते हैं बढ़िया से। तो पहले हम गोभी काट लेंगे, फिर चावल पीसेंगे। तो पानी डाल दिए हैं, फ्रेंड्स देखिए मेरी मम्मी क्या कर रही है। मम्मी क्या बना रही है? क्या चीज का? चरपा पिठा। आलू कोई चढ़ा, मटर छमी नहीं डालेंगे। अब फ्रेंड्स, मटर छमी डालेंगे बोले थे, पर मटर छमी नहीं डालेंगे क्योंकि आपको नहीं खाना। तो इधर ये क्या है, आलू और गोभी उबल रहा है। तो फ्रेंड्स, सारा मेरे देखिए चावल पीस लिए। और हम लहसुन, मिर्चा और जीरा देखिए इसे भी पीस लेते हैं। का हुआ बेटा रुद्रा?
अभी नहीं खाओ बेटा, मैं खाऊंगा। नहीं खाओ, मैं खाऊंगा। हाय कर दो, नमस्ते कर दो। ओ आधा बोल। इधर मेरा कोबी भी मतलब सिझिया है। देखिए फ्रेंड्स, लहसुन और मिर्चा जीरा मतलब पीस लिए, ऐसे निकाल लेते हैं पानी से, थोड़ा सा पानी है। तो देखिए फ्रेंड, तेल गरम हो गया है, अब सब्जी है, हम डाल देंगे। इसमें मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, हल्का सा भूंजेंगे। बेटा रुद्रा फ्रेंड्स हमको कुछ मांगने आया है, क्या चीज देंगे बेटा? चिटकी। क्या होता है चिटकी? फ्रेंड्स मेरा इधर गोभी आलू मसाला वाला भुंजा गया है और उधर चावल भी पिसा गया है, तभी थोड़ा सा ठंडा होगा, तो फिर उसमें हम डालेंगे, 5-10 मिनट रुकेंगे उसको फिर डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि किसको किसको पता है गोभी चड़पा। तो फ्रेंड्स बहुत को नहीं पता है, क्योंकि गाँव देहात में उस सबको पता है कि गोभी चड़पा बोला जाता है। और आघन संक्रांत के दिन आज छिलका भी बनाया जाता है, पिठा भी बनाया जाता है, आलू का, गोभी का, सीम का, मटर का, कोई भी चीज़ का बनाया जाता है पिठा गांव देहात पे। तो हम खाए हुए हैं, मेरा मायके में सिल्ली है, तो वहाँ मेरा माँ बना कर खिला है, तो हमको मालूम है, तो हमको पता चला कि आज आघन संक्रांत है, तो हमको मन किया गोभी चड़पा खाने का, तो इसीलिए हम बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो ज़रूर आप लोग बताइएगा किसको किसको मालूम है। ये तो मेरा भुंजा गया है, अब इसमें हम डाल देंगे। तो देखिए इसमें हम डाल दिए हैं, पूरा अच्छा तरह से फेंट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम फेंट लिए हैं, और हम अंजात से हम नमक डाल चुके थे। अगर नमक कम बेसी किसी को ना अगर अंजात हो तो वह थोड़ा सा गूढ़ी है, बस ये चावल का ही तो है, थोड़ा सा चीख के और उसके बाद टेस्ट करके फिर नमक डाल सकते हैं। तो क्या ही मस्त दिख रहा है, देखिए हम एकदम पतला पतला किए हैं, बहुत को एकदम थोड़ा सा टाइट रहता है चावल पिसा हुआ, पर हम पतला किए हैं। हम तवा चढ़ा दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड बैगन का आगे वाला डंठल हम लिए हैं, तो हमें यहाँ कढ़ाई पे तेल है, और इसी में इस तरह से तो तेल गर्म हो गया है। हाथ से हम फैलाएंगे, ढक देंगे। तो देखिए फ्रेंड इसके ऊपर में हम हल्का हल्का तेल लगाएंगे। ये पल गया। इधर फुला हुआ है इसलिए, उठा हुआ है, फुला हुआ नहीं, उठा हुआ है इसलिए आलू और गोभी है, और इधर नहीं है। फ्रेंड्स देखिए मेरी मम्मी यहाँ पर बना रही है, दो को बना चुके हैं फ्रेंड्स। देखिए मम्मी टेस्ट करके दिखा, अभी बना रहे हैं, तो सर टेस्ट तो करना ही है। देखिए वाह, इधर मंडा है और इधर चावल अभी पिसाया है। बता दे कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ऑमलेट, ऑमलेट मतलब चापा। फ्रेंड्स देखिए मेरी मम्मी यहाँ पर और बना रही है, और यहाँ पर इतना सारा बन चुका है। कितना काम करती है हम लोग, मैं और मेरे भाई अभी तक से दो को खा भी चुके हैं। बहुत टेस्टी था, क्या बताओ फ्रेंड्स, लग रहा था ना कि ये कोई छिलका है। छिलके ना है, नहीं वैसा नहीं, जो छिलके एकदम सूख के कड़कड़ में हो जाता है वैसा लग रहा था। हाँ यहाँ पर देखिए इतना सारा बन चुका है। बैगन का छौंका सब्जी बना रहे, उसके साथ खाना बहुत अच्छा। बैगन का छौंका सब्जी, फ्रेंड्स हम बैगन का छौंका सब्जी बनाएंगे, एकदम सादा, जीरा और मिर्चा का फोरन लगा है। देखिए स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इतना सारा मेरा बन गया है, और अभी सब्जी नहीं बना है।
अभी सब्जी बना नहीं है, इधर छिलका बना है। और खुशी पापा अभी आए हैं, वो भी उठा के लेके खाते खाते चल गए। खुशी भी और रुद्रा दोनों जन खाना स्टार्ट कर दिए, कभी से बन रहा तबे से खाना स्टार्ट कर दिए। अच्छा लगता है ना, मसाला का सब डला हुआ है इसीलिए। तो फ्रेंड्स, हम खुशी पापा के लिए निकाल रहे हैं खाना, रोटी भी बना लिए हैं। तो फ्रेंड, खुशी पापा को दे दिए हैं, अब मेरे लिए हम खाना निकाल रहे हैं। देख, हम बैंगन सब्जी ज़्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे। देखिए, तमे पर बैठ के खा रहे हैं। सच में बहुत अच्छा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग खाना वाना खा लिए, बहुत अच्छा लगा। और बर्तन वर्तन भी सब धो गया। अब यही तक रहता है वीडियो। बाय बाय।